एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज 20 तारीख है और 20 तारीख को जो गोंदिया जिले की फर्जी अध्यापकों की जो नियुक्तियां हुई थी उसकी आज हेयरिंग रखी गई है। और यह हेयरिंग रखने का जो जिन्होंने जिम्मा था जिनके तरफ, वह थी वैशाली जामदार और सतीश मेंढे, यह उपसंचालक के सहायक है। और उन्होंने आज यह जो भर्ती के सिलसिले में जितने भी कागज खंगालने हैं स्कूलों को बुलाकर 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के, यह इन्होंने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई रखी हुई है और उसमें सारे कागज खंगाले जाने वाले हैं। और क्या क्या कागज खंगाले जाने वाले हैं यह भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहाँ यह जो सुनवाई हो रही है, यह सुनवाई किस जगह हो रही है वहां ले चलता हूँ। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह दीनानाथ हाई स्कूल है, यह नागपुर का ही स्कूल है। इस नागपुर के स्कूल में लगभग बाल भारती भवन के बगल में ही, यानी बाल भारती भवन के ही लाइन में यह दीनानाथ हाई स्कूल है। और वहां जो सुनावनी जो रखी गई है जिसमें सतीश मेंढे यह उपसंचालक के सहायक है और वैशाली जामदार, यह जो अभी आप बंद कमरा देख रहे हैं, इस बंद कमरे में एक एक स्कूल के जो अध्यापक है, जो सचिव है, उसके साथ ही साथ वहां के अध्यक्ष वगैरह जो है, उन सभी को बुला बुला कर उनके कागज और जो फाइलें हैं वो खंगाली जा रही है। और क्या खंगाला जा रहा है ये पूरी सुनवाई में मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। अभी ये जैसा आप देख रहे हैं ये लोग जो बैठे हैं यहाँ, वह हेयरिंग के लिए आए हुए है। यह तांडा करके जो गांव है उस गांव के स्कूल के यह कर्मचारी है। उस जैसा आप अभी जो दिन कर्मचारियों को देख रहे हैं यह वही फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति के और फर्जी अध्यापक है और जो उन्होंने नियुक्तियां की है वह लोग यह है। उन लोगों को अभी हम लोग आपको जो दिखा रहे हैं यह वो तांडा के लोग है। हमने इनसे भी बात की हुई है कि क्या आप काय के लिए आज यहाँ आए हुए हैं और क्या है ये पूरा मामला। दर्शकों मैं आपको बता दूं पहले कि सबसे पहले यह जो पूरा जो मामला है, यह जो पूरे मामले के सूत्रधार तीन व्यक्ति कहलाए जाएंगे, क्योंकि इसमें तीन व्यक्ति ही यह पूरे मामले को लेकर सारा जो खुलासा हुआ है उसमें तीन लोगों की मुख्य भूमिका के तौर पर देखने में आता है। प्रफुल्ल कछवे यह जो है यह शिक्षणाधिकारी है और जो मांढरे करके है यह वहां के उप शिक्षणाधिकारी है और यह जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह अगस्ती कुमार पटले है। अब इसकी क्या भूमिका है और मांढरे की भूमिका क्या है और जो सतीश प्रफुल्ल कछवे जो है उसकी क्या भूमिका है यह मैं आपको बता देता हूं। यह तीनों ने मिलकर यह पूरे स्कैम को अंजाम दिया हुआ था और यह जो स्कैम है यह एक्चुअली शुरू कहां हुआ है वह भी मैं आपको बता देता हूं। अभी आप जो स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं यह लेटर जो आपको अभी जो दिखाया जा रहा है यह लेटर 4 सितंबर 2018 को जारी किया गया लेटर है। अच्छा, यह लेटर में अभी आप जो देख रहे हैं जैसा कि यह भवभूति शिक्षण संस्था जो कि आमगांव की शिक्षण संस्था है उसके तहत जो चलाई जाने वाली रामकृष्ण विद्यालय कुराड़ी, रविंद्र विद्यालय चोपा और गोरेगांव की जो स्कूल है यह इन स्कूलों का इसमें समावेश किया गया है। और यह जो आप जो देख रहे हैं लेटर पे जो सदा माने के हस्ताक्षर है यही पूरा जो पूरा मामला जो स्कैम जो खड़ा हुआ है वो यह स्कूल से ही खड़ा हुआ है और इसी लेटर के आधार पर खड़ा हुआ है। इस लेटर में जैसा आप देख रहे हैं ये जो 24 अगस्त 2018 का जो एक जीआर की जो बात की जा रही है उस जीआर के आधार पर ये सारी नियुक्तियां दी गई थी। ऐसा जो मांढरे करके जो शिक्षणाधिकारी है जो अभी हालांकि वो तो अभी रिटायर हो चुके हैं और उन्हीं के कार्यकाल में और उन्होंने ही यह लॉकडाउन के दौर में सारी नियुक्तियां दी हुई थी, यहाँ वो ही व्यक्ति है। जैसा इस लेटर में अभी और आपको एक मैं बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, यह भवभूति शिक्षण संस्था जो है यह शिक्षण संस्था का जो संचालन करते हैं वह एक भारतीय जनता पार्टी के एक केशवराव मानकर करके यह उस संस्था के अध्यक्ष है और उन्होंने ही यह लेटर सदा माने
जो प्रधान सचिव के तो अव्वल सचिव के तौर पर उनके पास से यह लेटर लाया हुआ था, और इसी लेटर से यह सारा मामला सामने बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यह मामला इतने बड़े स्कैम के रूप में खड़ा हो गया कि यह लेटर के आधार पर यह जो फर्जी नियुक्तियां जो जारी की गई वो सारी नियुक्तियां इसी लेटर की वजह से नियुक्तियां शुरुआत हुई। अब जो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह 6/9/2018 का लेटर है, और यह लेटर भी भवभूति शिक्षण संस्था आमगांव के नाम से निकाला गया लेटर है। इसमें भी अव्वल सचिव जो है सदा माने के ही हस्ताक्षर किए हुए हैं, और यह जो सारे जो हस्ताक्षर है यह फर्जी हस्ताक्षर है। सूचना अधिकार के तहत मिला हुआ यह कागज है, इस कागज में जो जो लिखा गया है वो सारा जो एक देखा जाए तो जो मंत्रालय की जो कंप्यूटर की जो राइटिंग होती है, कंप्यूटर का जो फाउंट होता है, वह फाउंट मंत्रालय के यह फाउंट से यह लेटर के फाउंट मैच नहीं करते हैं। यह एक सबसे बड़ी बात है। अच्छा, यह लेटर जो है यह फर्जी जो लेटर है यह इन्होंने स्वयं बनाया है, यानी किन्ने बनाया है यह लेटर? यह लेटर को बनाने वाले यह अगस्ती कुमार पटले है, और अगस्ती कुमार पटले ने ही यह लेटर बनाए हुए है। अब अगस्ती कुमार पटले और केशवराव मानकर, इन दोनों के बीच का मैं आपको संबंध बता दूं, यह जो कुराड़ी का जो विद्यालय है, कुराड़ी में जो रामकृष्ण विद्यालय है उसमें यह अध्यापक के तौर पर काम देखने वाला वहां का एक कर्मचारी है, और उसको यह लेटर जब मिला और उसी लेटर के आधार पर उसने जो सारे लेटर है जिसमें जो मांडरे है जो पूर्व शिक्षण अधिकारी हुआ करता था उन्होंने बताया हुआ है कि मैंने 24 अगस्त 2018 के ही नियम को ध्यान में रखकर यह सारी नियुक्तियां दी हुई है, ऐसा उन्होंने एक बार हमें स्टेटमेंट भी दिया हुआ था। और यह जो लेटर है यह लेटर के आधार पर ही, उसमें भी यह लेटरों में हर जगह अगर आप देखेंगे, जैसा अभी आप जो देख रहे हैं लेटर में, इस लेटर में 24 अगस्त 2018 का तरतूत लिखा हुआ है, और सदा माने के हस्ताक्षर कर यह भवभूति शिक्षण संस्था ने दो लेटर जारी किए हुए थे। उसके बाद 11 अक्टूबर 2018 को जो सिद्धार्थ माधव स्वर्गीय शिक्षण संस्था है दौनीवाड़ा की, उसको भी जो लेटर जारी किया हुआ है, उस लेटर में भी आप देखेंगे तो 24 अगस्त 2018 का यह प्यारा वहां लिखा हुआ है, और उसमें जो सदा माने के हस्ताक्षर है यह भी सदा माने जो अव्वल सचिव है उनके जो हस्ताक्षर किए गए हैं वह भी फर्जी हस्ताक्षर है, और यह लेटर भी अगस्ती कुमार पटले ने ही अपने यहाँ तैयार किया हुआ लेटर है, जो कि महाराष्ट्र शासन का जो लेटर, यह देखा जाए तो सबसे पहले यह लेटर की ही जो जांच है, जो सारे स्कूलों ने लेटर के आधार पर ही अपने प्रस्ताव डाले हैं, और यह लेटर सीधे तौर पर जो शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कछुए है उन्होंने गंगाझरी पुलिस स्टेशन में लिखित तौर पे दिया हुआ है कि यह लेटर मेरे पास अभी तक के आया नहीं है, और स्कूलों ने ही यह लेटर हमारे यहाँ लाके दिया हुआ है, और स्कूलों के संचालकों ने ही यह प्रस्ताव की फाइलें डाली है, और उस पे मांडरे ने 24 अगस्त 2018 का जीआर का एक उल्लेख करते हुए उन्हें यह सारी नियुक्ति को उन्होंने प्रशासकीय मंजूरी दी हुई है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह भी एक लेटर 31 अगस्त 2018 को जारी हुआ लेटर है। अच्छा, 31 अगस्त 2018 को जो जारी किया हुआ लेटर है इसमें भी आप देखेंगे 24 अगस्त 2018 ही तारीख डाली गई है, और सदा माने के उस पे हस्ताक्षर है, और इसी एक ही लेटर पर तीन यूनाइटेड एजुकेशन सोसाइटी बोनगांव देवी, परशुराम शिक्षण संस्था गोरेगांव, महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण मंडल गोंदिया, यानी तीन संस्थाओं को एक ही लेटर पर, यानी एक ही लेटर के पैसे में तीन स्कूलों को यह लेटर जारी किया गया है, यानी कागज की यहाँ अगस्ती पटले ने बचत कर दी हुई है, क्योंकि अगर वह हर किसी स्कूल के लिए अलग अलग लेटर बनाता तो उसे शायद एक कागज के प्रिंट आउट पे 10 से 20 रुपए खर्चा आता, लेकिन उसने अपने यह पैसे बचा लिए हैं और एक ही लेटर पे उसने तीन स्कूलों को मान्यता प्रदान कर दी हुई है। सदा माने के जो हस्ताक्षर है ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी जांचे गए हुए हैं। सदा माने, वैसे तो मैं आपको बता दूं, प्रधान अव्वल सचिव के तौर पर सदा माने के वहां का जो लेटर का जो उल्लेख हुआ है उसमें एक वहां से भी लेटर आया हुआ है, यहाँ के जो एसपी है गोंदिया के उनको एक लेटर आया हुआ है कि ऐसा कोई भी लेटर हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है, यह मंत्रालय का एक लेटर आया हुआ है, मुंडे करके कोई उनके उन्होंने वो लेटर जारी किया हुआ है। देखा जाए तो यह जो सारा जो मामला है, जो आप अभी जो स्क्रीनों पर ये सारे जो लेटर देख रहे हैं, इन लेटरों पर कहीं ना कहीं यह डाउट बनता है कि यह जो सारा मामला है यह सारे लोगों ने अपनी एक मिलीभगत बनाकर किया हुआ मामला है। दर्शकों, मैं आपको
यह सारा जो मामला इसलिए बता रहा हूं कि हमारी जो चैनल की टीम की जो पड़ताल थी, जो हमने बीड़ा उठाया था, यह जो फर्जी अध्यापकों की जो नियुक्तियां हुई थी, इन फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति को जो रद्द कराने के लिए और जो जिस तरीके से इन्होंने सरकार को चूना लगाया हुआ है, उस सारी चीजों को हम आप तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में हमें सफलता यहां तक मिली है कि अभी जो आप बंद कमरे में जो मीटिंग देख रहे थे, जो हाँ ये जो स्कूल आपको दिखाया था मैंने, उस स्कूल में जो जामदार मैडम है डॉक्टर वैशाली जामदार और जो मेंढे करके वहां के उप सचिव के जो सहायक सचिव है, उन्होंने इन सारे स्कूल के लोगों को बुलाकर उनकी फेस टू फेस और उनकी फाइलों की जांच हो रही है, कागजों की जांच हो रही है और उनसे रूबरू पूछा जा रहा है कि भाई ये पूरा जो मामला है आखिर क्या है। ये जो आपको मैंने अभी जो इतना सारी जो आपको मैं पूरी एक कहानी के तौर पर जो मैंने आपको बताया हूँ, इसका एक सार गंभीर ये निकलता है कि जो मांडरे का जो गैंग है, इसे गैंग ही कहा जाएगा क्योंकि स्कैम करने के लिए एक से अधिक लोग अगर साथ में होते तो उसे गैंग का ही रूप दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम तो किया नहीं है, भ्रष्टाचार में इबारत लिखी हुई है और काफी मोटी रकम इन्होंने अपने हिस्से में अर्जित की हुई है, क्योंकि मांडरे को पता था कि मैं तो रिटायर होने वाला हूं, मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, लेकिन जो कागज है, जो उनके यहाँ के जो कागज है, यह कभी किसी की झूठ को कभी भी सच साबित नहीं कर सकते और उसी के आधार पर हमारी जो पड़ताल है वो निरंतर इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और निरंतर हम इसके जांच भी कर रहे हैं और इसमें जो दोषी लोग हैं उन पर हम सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए भी हम हमारे इस प्रयास को अग्रसर रख रहे हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रही है MNS न्यूज के साथ। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।